तो देखा दोस्तों, आपने कैसे फूली हुई बैटरी को मैंने ठीक कर दिया, पसीने छुड़ा दिए यार इसने तो। देखिए डर भी बहुत लगता है कि कहीं आग ना लग जाए। तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि कैसे मैंने इस फूली हुई बैटरी को ठीक किया है। ठीक है, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये काम करना है या फिर नहीं करना है ये भी आपको वीडियो में पता चलेगा। जल्दी चलते हो वीडियो की तरफ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूँ बैटरी के बारे में। देखिए बैटरी कितनी फूल गई है, फटने के करीब है, और इस बैटरी की आज हम हवा निकालेंगे, इसको ठीक करेंगे यानी कि। और वीडियो पूरी देखना, मैं कुछ और बात बताऊंगा आपको। अभी आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा काम, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का। और एक्सपीरियंस के साथ साथ हम कभी ये चीज़ हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये भी बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारे बंदे हैं इंटरनेट पर वीडियो बना के डाल देते हैं कि बैटरी को ऐसे ठीक करें। भाई बैटरी ठीक होती है या नहीं होती है वो हम बाद में जानेंगे। मगर इसकी पहले मैं हवा निकालने बता देता हूँ, गलत तरीका आप मत यूज़ करना। ठीक है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ डिस्क्लेमर अपने मुंह से बता देता हूँ भाई साहब, लिख के अगर ना समझ में आए किस बंदों को तो डिस्क्लेमर मुंह से दे देता हूँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। घर पे करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर आप 18 साल से कम है तो आपको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ आप इस तरीके को बिल्कुल भी यूज़ मत करना। आप अगर आपकी बैटरी फूल गई है तो आपको करना क्या है तो देखिए वीडियो में जानते हैं। अभी अभी मैं लाइव आपके सामने दिखाऊंगा, ये न्यू बैटरी है और फूल चुकी है। देखिए पूरा गुब्बारा बन चुका, बहुत तेज़ी टाइट भी हो रखी है बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं इसकी हवा कैसे निकालनी है। और ये बैटरी अभी चार्ज भी है, और आप बिल्कुल भी वो मत करना भाई, बिल्कुल भी। अभी देखते हैं हम उसमें प्रैक्टिकल देखते हैं। काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि सर एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाओ, तो देखिए आज का मैं एक्सपेरिमेंट इसी पर रखता हूँ, ये मैं एक बना देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट वीडियो पसंद होती हैं तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको जल्दी से इसको ठीक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये बैटरी है हमारी बिल्कुल फूली हुई है, मैंने एक ब्लेड ले लिया है आप पेनी वाली, देखिए एकदम गुब्बारा हो चुकी है बैटरी फूल कर। ठीक है, अब इस बैटरी की हवा निकालता हूँ मैं, और कैसे निकालनी है। और आप भाई साहब बिल्कुल मत करना, मेरी वीडियो पूरी देख लेना। मैं फिर बार बार मुंह से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी आप इसको कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं वो आप जान जाइएगा। देखिए बैटरी फुली हुई है, न्यू बैटरी है बिल्कुल, और एकदम टाइट हो रखी है भाई साहब, फटने वाली है बस। अब इसको देखिए यहाँ पर इस तरीके से ब्लेड में डालूँगा हल्की सी, या फिर आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए बस हल्की सी मैंने सुई, ये ऐसा लगा मेरा मजाक। ब्लेड चुबाई है इसमें। अब इसकी अब इसमें एक तो एक बदबू बहुत बुरी आ रही है। ठीक है भाई, अब इसको मैं धीरे धीरे दबाता हूँ। मैंने हल्की सी इसको देखिए ऐसे नहीं चुबाई, अगर ऐसे चुबाता तो बहुत बुरी आग लगती और यहाँ दिक्कत हो जाती भाई साहब। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करा मैंने, मैंने किया ऐसे, कागज़ जो इसका ऊपर वाली परत थी कागज़ की, मैंने उस पर एक होल किया, हल्का सा छेद किया, बहुत माइनर सा। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी हवा ठीक से निकाल कर दिखाता हूँ, धीरे धीरे दबाता हूँ इसको मैं। ये देखिए अब इसकी हवा अच्छे तरीके से निकल चुकी है। एक बार और थोड़ी सी हवा इसकी और निकाल लेता हूँ मैं। सिर्फ ऊपर की परत काटनी होती है भाई, इसमें 4 लेयर होती हैं। ठीक है, 4 लेयर होती है इसके अंदर, सिर्फ ऊपर की परत काटनी है। अब ये कौन बंदा काट सकता है भाई, आपको ये बताता हूँ, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही काट सकता है। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे, जो मुझे जिस जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनानी पड़ी। अब देखिए बैटरी की हवा निकल चुकी है, अब ये बैटरी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको बता दिया इसकी हवा कैसे निकालनी है, ब्लेड एक मिनट ब्लेड रख देता हूँ। मैंने आपको बता दिया इसकी हवा कैसे निकालनी है, इसको आपको कि गैस कैसे निकालनी है। दोस्तों एक तो ये ख़तरनाक हो सकता है भाई, ध्यान से सुनना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ इस काम के, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मैं खाली पढ़ लिख के बातें नहीं इंटरनेट पर बताता। कोई बंदा वीडियो बना के तो नहीं दिखा सकता, मगर हॉस्पिटल में कितने केसेस होते हैं ये हमें पता होता है भाई, मोबाइल रिपेयर वाले हैं, हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है कि किस किस वजह से ये मोबाइल फ़ोन फटने लगे हैं। तो भाई ऐसे ऐसे उल्टे ये उल्टे काम कहूँगा मैं, मैंने ये काम है ना सिर्फ आपके कहने पे किया है। काफ़ी बंदों ने कहा सर कि एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाइए बैटरी की, क्या बैटरी को ठीक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे बंदे हैं इंटरनेट पे वीडियो भी बनाकर बताते हैं कि इसको आप ऐसे हवा निकाल के इसे यूज़ कर सकते हो। भाई मैं उनसे कहना चाहूँगा, पहले क्या बम डिफ्यूज़ किया करते थे आप भाई, ऐसे मत बताया करो, क्योंकि देखिए लगाने वाला तो अपने फ़ोन में लगा के इसे यूज़ करने लगेगा, मगर भाई साहब उसके साथ क्या हादसा हो सकता है वो आप नहीं समझ सकते। आपने सिर्फ एक व्यू पाने के लिए ये वीडियो बना दी थी ऐसी, तो भाई मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा।
आप कभी भी ऐसे इस तरीके का काम ना कीजिए। देखिए मैंने आपके सामने सफलतापूर्वक कर दिया था वो, हालांकि आग भी लग सकती थी। एक वीडियो मैंने आपको दिखा भी रखी है, इंटरनेट पर कई वीडियोज है बैटरी के फटने के। अब ये है ना, जीता जागता एक बम बन चुका भाई साहब। देखिए यहाँ पे मैंने होल किया था, अगर आपको दिखाई दे तो देखिए ये होल का निशान है ना। यहाँ पर मैंने पंक्चर किया था इसको, और पंक्चर करने का तरीका हर किसी बंदे को नहीं होता। ये जो भी कुछ बंदे हैं ना इंटरनेट पे वीडियो बना के डाल देते हैं कि भाई बैटरी में इस तरीके से आप पंक्चर कर लीजिए, भाई मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, और घरों में बच्चे ऐसे काम कर करके, मैं 3-4 बच्चों के ना भाई साहब हाथ जले हुए देख चुका हूँ अपने मोबाइल रिपेयरिंग के इतिहास में। 3-4 बच्चों को देख चुका हूँ हाथ जले हुए, कि मैंने पूछा उनके पेरेंट्स से कि क्या हुआ था इसके हाथ में, उसने कहा पता नहीं इंटरनेट पर वीडियो देख रहा था, बैटरी फुली हुई थी। जैसे जियो की बैटरी होती है ना वो टाइट होती है, उसमें इतनी हल्की परत तो होती नहीं है, उसने उसी में सुई डालनी शुरू कर दी भाई साहब, बैटरी में लगी आग, हाथ जल गया बेचारे। तो भाई ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, घर पर ट्राई मत करना भाई बिल्कुल भी। ये मोबाइल रिपेयर वाला बोल रहा है, भाई मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, नहीं यकीन आपको मेरी और पिछली वीडियो जाके देख लो, 400 से ज़्यादा वीडियो डाल रखे हैं मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। चीज़ को हीट को जो रोकती थी ना परत, हमने उसे पंक्चर कर दिया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मजाक बात नहीं, मैं खोल के भी जानता हूँ इसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल रिपेयर वाले हैं। तो भाई ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर देना भाई साहब, जितने हो सके ना, जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर देना भाई साहब। ये सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए, उन्हें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल कहूँगा भाई बिल्कुल मत करना, आग ले जाएगी बैटरी में। देखिए हम मोबाइल रिपेयर वाले हैं, हम हमारा ध्यान अगर कहीं और भी होता है तो भी हमारे हाथों से नुकसान बहुत कम होता है। देखिए आपको एक तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप सुई को सीधा डाल दोगे या ब्लेड को सीधी मार दोगे भाई साहब, आग लग जाएगी बैटरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और अगर और ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको चाहिए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस बैटरी की हवा तो मैंने आपको निकालने बता दी, मगर क्या ये अब ये यूजेबल है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में? भाई बिल्कुल मत करना, मेरी मानो तो मोबाइल रिपेयर वाला हूँ इसलिए आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना अपने फ़ोन में अगर आप अपने फ़ोन की लाइफ बचाना चाहते हो तो। काफ़ी सारे बंदे देखे दुकान पर भी ये धांधलेबाजी कर देते हैं कि फूली हुई बैटरी को ऐसे पंक्चर करके लगा देते हैं, बोलते हैं कि मैंने दूसरी बैटरी डाल दी। बहुत सारे नासमझ लोग होते हैं जिनको मोबाइल फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं होती, और उनको फ़ोन बंद करके दे देते हैं, मगर भाई साहब रिस्क बना रहता है, इसके अंदर पंचर हो चुका है, आपने पंचर देखा है इसके अंदर करते हुए, ठीक है। अब जब आप फ़ोन अपना चार्जिंग पर लगाओगे ना तो बैटरी हीट जनरेट करती है, मतलब कि गर्म होती है भाई, मैं देसी अंदाज में समझा रहा हूँ। क्यों इतना समझा रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो, आपके साथ कोई बड़ा हादसा ना पेश आए। तो काफ़ी सारे बंदे देखिए ये काम करते हैं, बैटरी लगा के दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं बंदे से कि भाई मैंने बैटरी डाल दी तेरे फ़ोन में, और बैटरी नहीं डालते, वो ऐसे ही पंक्चर करके डाल देते हैं। तो भाई ये काम ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। और तो निकल जाएगी बैटरी भी चलेगी यार, सेट ऑन हो जाएगा आपका, मगर भाई रिस्क क्या फ़ायदा है ऐसा रिस्क लेके, 800-1000 रुपये के ऊपर क्या जान से बढ़ के थोड़ी हो जाएगी बैटरी? आप चेंज करा सकते हैं, सर्विस सेंटर जाके दूसरी ले लो, इसे फेंक दो कूड़े में, ठीक है। आप इसे फोड़ने भी मतलब ये पंचर करने की भी कोशिश मत करना जैसे मैंने अभी करा था। तो भाई ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है यार, कभी भी चीज़ें फट सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, सेट गर्म हो रहा है, बात करते करते हो नहीं जाता, आधा घंटा अगर कॉलिंग पे बात करने लगते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है ना, वो बैटरी तो गर्म हो रही होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बैटरी आपकी फट सकती है, कोई हादसा आपके साथ हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, मगर काफ़ी सारे बंदों की कमेंट ऐसी आ रही थी, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट बिट्टो भाई आपका करता रहता है अपने चैनल पे, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टो भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद और जय भारत।